असल में सर मैंने 2021 में फ्लैट लिया था रिगालिया टावर में, तो उसके बाद मैं इनको ऑलरेडी पहले नॉर्मल से जानते थे, हम इतना ही जानता था मैं कि इनके हस्बैंड वगैरह की डेथ वगैरह हो गई, तो मैंने इनको रेंट पे दे दिया था। रेंट को देने के बाद 8-9 महीने 10 महीने तक इन्होंने रेंट प्रॉपरली दिया, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में इनका हार्ट टाइट वगैरह जो भी हो गया, सबको ये गवर्नमेंट ने भी कहा था कि रेंट ना लिया जाए, तो मैंने रेंट वगैरह नहीं लिया। तो उसके बाद जैसे कि मेरा आना जाना मतलब कि फ्लैट पे रहता ही था, बिकॉज वहाँ पे फ्लैट के अंदर मैंने एक रूम अपने लिए ले रखा था कि जिसमें मैं कहा था आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी इस चीज़ से। तो मैं कभी फ्रेंड के साथ बर्थडे वगैरह या सेलिब्रेट करना या कोई मेरा फ्रेंड बाहर से आ गया तो वहाँ पे मैं आया जाया करता था कभी कभी। उसके बाद सर मैं इनके साथ इन्वॉल्व हो गया जब मुझे पता लगा, तो थोड़े टाइम बाद जब मुझे पता चला कि ये बहुत बड़ा मतलब कि स्कैम कर रहे हैं मेरे साथ, और ये ऑलरेडी पहले भी ये सब कर चुके हैं, क्योंकि इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो सबका ऐसे ही था। पहले तो मुझे नहीं पता था उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, मतलब जब उनकी मदर ने नीचे ही फ्लैट पे लिया फ्लैट तो मुझे पता चला कि आपको क्या कहा था कि ये शादीशुदा है, आपको उन्होंने बताया कि वो सिंगल नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूं, उन्होंने ये बोला कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो रखी है। लास्ट ईयर जब मुझे पता चला कि उसके हस्बैंड जिंदा है और इलीगल काम करते हैं वो लोग, और कुछ टाइम कई सालों तक वो जेल में थे, और ये चीजें मुझे पता लगी तो मैं डर गया और मैं पीछे हट गया। जब मैं पीछे हटने लग गया तो ये मुझे ब्लैकमेलिंग करना मेरे को ऊपर स्टार्ट कर दिया। पहले तो इन्होंने खुद ही एक नंबर के थ्रू मेरे को बताया कि ये मेरे हस्बैंड का नंबर है, उनको हमारे बारे में पता चल गया, वो तुम्हें जान से मार देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। उसकी बकायदा मेरे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें वो प्रूफ है सारे की, जिसमें कह रही कि मेरे हस्बैंड तुझे जान से मार देंगे, तू यहाँ से चला जा, ये सब छोड़ दे, ये मतलब कि ये डिमांड करते थे वो। उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की? तो पुलिस कंप्लेंट सर पहले तो मैंने ये चीज घबरा गया था मैं, क्योंकि मैंने घर पे बताया नहीं, तो बदनामी वाली चीज थी, तो इस वजह से मैंने ये चीज घर पे बताया नहीं कि मैं ऐसे स्कैम में फंस गया हूँ। तो लास्ट में जब मेरा मतलब कि नहीं हुआ तो मैंने अपने बड़े भाई सोनू गुप्ता उनसे शेयर करी है सारी बात, तो उन्होंने थोड़ा सा जो है एक्शन वगैरह लिया। पर उससे पहले सर जब मैंने इनसे आना जाना सब कुछ बंद कर दिया तो इन्होंने मेरे को ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया, अलग अलग लोकेशन लगाने लग जाते थे। लास्ट टाइम इन्होंने मुझे कहा कि 2 लाख रुपए दे के मैं तुम्हारा फ्लैट खाली कर दूंगी, और किया भी इन्होंने ऐसे ही, इन्होंने 2 लाख रुपए लिए मुझसे कैश, और उसके बाद इन्होंने फ्लैट खाली कर दिया। फ्लैट खाली करने के बाद सर उसमें 3 कीज होती हैं, तो मेरे को 2 दी गई, एक मैंने पूछी कहाँ, तो कह रहे हैं हमसे गुम हो गई थी, तो मैंने भी ज्यादा वो नहीं लिया। तो 10 जून को इन्होंने खाली किया, और मैंने ये रेंट पे किसी और गौरव शर्मा नामक व्यक्ति हैं उनको मैंने रेंट पे दे दिया। तो इनके खाली करने के बाद उन्होंने रेंट एग्रीमेंट वगैरह बना के मैंने उनको रेंट पे दे दिया। तो जब गौरव शर्मा ने अपना थोड़ा बहुत सामान वगैरह लाके अपना रखा हुआ था, और 18 तारीख को इन्होंने दोबारा मेरे पास फोटोज भेजी फ्लैट की, जिसमें जो गौरव शर्मा ने अपना सामान वगैरह पर्दे वगैरह सब कुछ लगाए थे, कर्टन्स वगैरह वो सब तोड़ फोड़ रखे थे। बकायदा मेरे पास प्रूफ है, स्क्रीनशॉट्स हैं, जिसमें उसने कहा था कि मनोज गुप्ता तू मुझसे अगर यहाँ पे मिलने नहीं आएगा, यहाँ पे अगर तू फ्लैट पे नहीं आएगा तो तेरे फ्लैट पे मैं आग लगा दूंगी और मैं सारा मतलब कि तोड़ दूंगी। तो मैं घबरा के जब मैं उसके पास उनके मतलब कि सोसाइटी के अंदर एंटर हुआ, तो जैसे ही मैं सीढ़ियों के पास गया, इनकी पूरी फैमिली जो नीचे रहती है, जिनकी जो भांजियां हैं इनकी दो, और एक मम्मा और भांजी का एक बॉयफ्रेंड है, तो वो उन लोगों ने मेरे पर हमला कर दिया। जब मेरे पर हमला हुआ तो इन्होंने 112 पे फोन कर दिया। हमला करते हुए जब मैं बीच बचाव के लिए जैसे मेरी सीढ़ियों के पास जा रहा था, मैं अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगा, तो हम दोनों गिर गए, तो उनके थोड़ा सा यहाँ पे ब्लडिंग निकलने लगी, थोड़ी चोट लगी। उन्होंने 112 नंबर पे फोन करके स्नैचिंग का और ये सब का दोबारा केस डलवा दिया मेरे ऊपर, जिसमें मैंने सारा कुछ उनको पुलिस वालों को सारा प्रूफ दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और ये सब मतलब कि ये है वो है। बट फिर उसको उस कंप्लेंट को वापस लेने के लिए भी उन्होंने मेरे से पैसे लिए, 50,000 रुपए मैंने उनको कॉम्प्रोमाइज के लिए दिए। ये सर 19 जून की बात है, 18 जून को इन्होंने फोटो भेजी थी। हाँ जी 28 तारीख को इन्होंने मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करी है, 28 जून को इन्होंने मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करी। और जब पहली तारीख को जब गौरव शर्मा अपना चाबी वगैरह लेके दोबारा फ्लैट खोलने के लिए आए, तो उन्होंने देखा की चेंज है, तो इन्होंने फिर दोबारा 112 पे फोन करके कंप्लेंट करा दी कि मेरे घर में जी चोरी हो गई है और मेरे गहने और 5 लाख रुपए कुछ ये जो है कि सब चोरी हो गए हैं के अज्ञात बंदे ने सर, जबकि वो चाबी लगी नहीं थी, उन्होंने ऑलरेडी सामान रातों रात अपना मतलब कि फ्लैट के अंदर घुसा लिया था 18 तारीख के में, और 28 मतलब कि जो जिनको मैंने गौरव शर्मा का दिया था वो छुट्टियों पे गए थे, उन्होंने 1 तारीख को शिफ्ट होना था मतलब कि, तो 1 तारीख को उन्होंने शिफ्ट होना था, तो जब वो आए तो उन्होंने 112 पे कंप्लेंट करके उल्टा मेरे ऊपर फिर दोबारा मेरे नाम पे ही कंप्लेंट कर दी, जबकि मैं वहां पे था भी नहीं, मैं अपनी शॉप पे था।
तो फिर दोबारा फिर वही मैं थाने में गया सर, वही मेरे को हरासमेंट, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बल्कि मेरे को बुलाया गया कि हाँ ये वो, क्यों, बल्कि मैं तो फ्लैट पे गया भी नहीं था। तो ये भी मैटर चलता रहा, फिर उन्होंने अपना दोबारा कब्जा कर लिया सारा, मतलब इस फ्लैट पे दोबारा कब्जा कर लिया। गौरव शर्मा ने ऑलरेडी मेरे पर कंप्लेंट कर रखी है कोर्ट में कि मैंने उनके साथ अपोर्ट किया, बट मेरा ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि थर्ड बंदा ऐसे घुस के दोबारा फ्लैट पे उन्होंने दोबारा कब्जा कर लिया, और अभी भी उनका ही कब्जा है। तो वो हाँ जी, तो मेरे से पैसों की डिमांड ही करते रहते हैं बार बार। तो बंधक कब बना के सीढ़ियों पे? बंधक ये सर लास्ट क्या तारीख थी, 29 सितंबर की बात है, 29 सितंबर को सर अर्ली मॉर्निंग जब ये उससे अगस्त 29 अगस्त में सर, हाँ जी पिछले महीने 29 अगस्त को उनसे पहले ये मेरे को फोन, मेरे को फोर्सफुली मेरे पास बुलाने, अपने पास बुलाने लग गए। पहले तो मेरे पास फिजिकली रिलेशन बनाने के लिए मेरे पास एडल्ट अपनी वीडियोस बना बनू के कि मैं बैग बुक के इनके पास जाके मतलब रिलेशन बनाने की कोशिश करी, जब मैं उससे नहीं माना सर, इन्होंने धमकाने की कोशिश करी, इनके पास 5-6 नंबर हैं, अलग अलग नंबर से मुझे फोन आने लग गए। तो इस सारा में आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं? सर कंप्लेंट पहले तो मैं डरा हुआ था, जब मैं कंप्लेंट करने जा रहा था तो उससे पहले वो मेरी कंप्लेंट कर देती थी, कोई ना कोई मेरे पर रिलेशन लगा देती थी, तो मैं तो सोसाइटी के आसपास भी नहीं जा सकता। अगर मैं अभी भी जाके सोसाइटी के पास खड़ा भी हो जाऊं ना तो मेरे पर कोई ना कोई रिलेशन लग जाएंगे, जिसमें कि सारे उसी की तरफ हैं, पुलिस वाले भी सब कुछ, मतलब कि मेरी कहीं सुनवाई हुई नहीं, इसलिए मैं DIG के पास जाके अपना मतलब कि जो अपनी कंप्लेंट है मैं वहां पे डायरेक्ट देके आया था। तो उन्होंने SSP के पास वो किया था, SSP ने सीधा DSP के पास फॉरवर्ड करी, DSP के पास मैंने जाके अपनी सारी बात बताई है 2 दिन पहले, तो उन्होंने सारी बात सुनी मेरी। और ये इन्होंने जब मेरा अपहरण किया इनको गुरजीत, किस दिन की घटना थी ये? 29 अगस्त की बात है, अर्ली मॉर्निंग की 4 बजे करीब, क्योंकि उनको गुरजीत कौर को ये पता था ये डेली सैर पे या रनिंग पे डेली अर्ली मॉर्निंग जाता है। आपका उस घर उस फ्लैट से कितनी दूर है? मेरा घर वहां से तकरीबन 15 मिनट्स का रास्ता होगा, 2-2.5 किलोमीटर करीब होगा घर, बल्टाना से मतलब की ढकोली में, हाँ ढकोली में, ढकोली में केरिया के बैक साइड भिगालिया टावर। तो सर वहाँ पे जब इनके इन्होंने देख लिया कि हाँ कि ये नहीं मान रहा है, इन्होंने मेरे को धमकी दी, मेरे पापा के नंबर पे फोन करके धमकियां दी, तब तक सारी बात हम लोग मतलब कि हम लोग कभी इस मैटर में पड़े तो नहीं, हम घबराए हुए थे। सुबह सैर करने जा रहे थे सर, हाँ अर्ली मॉर्निंग में घर से निकला ही था कि अर्ली मॉर्निंग एक गाड़ी आई जिसमें मेरे को मतलब की गुरजीत कौर की आवाज भी पूरी सुनाई दी है कि हाँ भाई गुरजीत कौर ये यही है, यही है बंदा। और उसके बाद मैंने 2 व्यक्ति देखे जो खाकी वर्दी में थे, उनकी साइड पे PSP कुछ लिखा हुआ था, बट पता नहीं वो फेक थे कि रियल थे ये मुझे नहीं पता, पुलिस वाले थे। और एक सूरज शर्मा नाम व्यक्ति था जिनके साथ आज की डेट में गुरजीत कौर इन्वॉल्व हैं, जो एज अ फ्रेंड या बॉयफ्रेंड टाइप में हैं, और इनका जो हस्बैंड है वो सुरमुख सिंह है, वो ऑलरेडी मतलब कि इलीगल्स काम्स वगैरह करते हैं। तो वो डर बैठ गया वो सारा कि मैं मतलब कि तो गाड़ी में किडनैप कर लिया वो, हाँ उन्होंने मुझे उठाया, उन्होंने मेरा मुंह पीछे से मुंह पकड़ा, और उसके बाद सर मुझे कुछ भी याद नहीं है मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब मेरे को होश आया, जब मैं होश आया तो मेरे भाई और पुलिस वाले कुछ सामने खड़े थे, तब मेरी धीरे धीरे थोड़ा सा मुझे पता चला, मुझे नहीं पता मैं सर वहां पे कैसे गया या क्या हुआ मेरे साथ उसके बाद, बिकॉज मेरे को ये है कि इन्होंने मुझे धमकी ये दी थी कि मैं तुम्हें यहां से कहीं दूर ले जाएंगे, और कहीं जैसे कि इनका हस्बैंड है उनका मोहाली में कहीं खेत वगैरह है कहीं अज्ञात जगह पे, जो कि मुझे एड्रेस प्रॉपर नहीं पता। तो कह रहे थे पता कि सीढ़ियों फ्लैट की सीढ़ियों में कैसे पहुंचे, मेरे को ये कुछ भी याद नहीं है। जब मैं रिकवर हुआ तब मेरे को थोड़ा थोड़ा होश हुआ, और मैं अपने फैमिली अपने ब्रदर को देखे, क्योंकि मेरे ब्रदर रोने लगे थे, मेरे को देखे थोड़ा बहुत मुझे हुआ, तो मुझे ये कि मुझे अपने भाई के साथ घर जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं उन्होंने एप्लीकेशन दिया, क्योंकि मैंने सारी बात कुछ टाइम पहले ही अपने भाई को सारी बात क्लियर कर दी थी कि ये चीज ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना हो रही है। तो उससे रिलेटेड जब उनको लगा कि ये अर्ली मॉर्निंग का गया हुआ, सुबह के 10 बजे हैं, ये नहीं आया, तो पक्का ही कोई ना कोई वारदात हो सकती थी मेरे साथ। तो इन्होंने मेरे को ऊपर फ्लैट पे भी घर के अंदर भी इसलिए नहीं घुसाया क्योंकि इन्होंने घर के आगे मैंने कैमरे लगवाए हुए थे, तो अगर वो फ्लैट के अंदर मेरे को लेके जाते तो कैमरे के अंदर वो खुद भी आ जाते, तो इसलिए इन्होंने मेरे को शायद ऊपर सीढ़ियों में शायद इसलिए बांधा हुआ था। तो आसपास और भी फ्लैट होंगे सर? आसपास फ्लैट तो सर मेरे को टॉप पे छत के पास बांधा गया था, जहां पे कोई आता जाता नहीं और जहां लॉक लगा रहता है, तो वहां पे वैसे भी कोई आता जाता नहीं और मेरे को कोई होश नहीं थी। तो उसके बाद यही मेरे ब्रदर ने मुझे रिकवर वगैरह किया,
उसके बाद मेरी कहीं सुनवाई वगैरह। अभी आपने कंप्लेंट देके अब आपकी कंप्लेंट डीएसपी के पास है? हाँ, डीएसपी के सर के पास है। आपको बुलाया उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने मुझे बुलाया था। मैंने अपने बकायदा बयान वगैरह भी दिए हैं अपने, क्योंकि सर बचाव अपने बचाव पक्ष में इन्होंने क्या किया सर, 29 को मेरा किडनैप किया और 30-31 को जाके इन्होंने ऑलरेडी एसएसपी ऑफिस में जाके मेरे ही खिलाफ उल्टा कंप्लेंट दे दी कि ये सब ऐसे ही है, ये सब झूठ है, और उनके पास इस चीज का कोई भी प्रूफ नहीं है और मेरे पास सारे प्रूफ है कि मेरे को धमकी देते हुए, मुझे बुलाने की, पैसे डिमांड करने की, पैसे देने की, मेरे पास सारे प्रूफ हैं। बट मेरी कहीं पे भी कोई भी सुनवाई नहीं हो पाती, क्योंकि इनके साथ कौन कौन बंदे इन्वॉल्व है मुझे नहीं पता। इनका जो ये स्कैम है ये कब से चलता है और इनका ये फैमिली पूरा स्कैम है। तो उसके बाद से भी कोई फोन आया सर? उसके बाद अब तक मेरे पास फोन आने बंद हो गए हैं, पर थोड़े टाइम पहले वो डीपी लगा लेते थे, डीपी में वो मैसेज लिख देते थे कि मनोज तुम मेरे को ऐसे बैठ के कॉम्प्रोमाइज कर ले, मैं ये सब खत्म करके यहाँ से जाना चाहती हूँ या जो भी है। अच्छा। मेरे को दोबारा इस चीज में फिर दोबारा इन्वॉल्व करना चाहते हैं ताकि मैं उनको पैसे देके फिर दोबारा इनसे। आपने पुलिस कंप्लेंट दी है? मैंने सर, हाँ जी, अपनी जो एप्लीकेशन है वो मैंने आपको बताया कि एसएसएस दे दिया, इस टाइम पे डीएसपी साहब के पास है, तो वो देखते हैं आपका बयान दर्ज। सर अभी तो स्टेटमेंट सर उन्होंने उनकी तरफ से ही ली थी, बिकॉज उसमें क्या है उन्होंने मेरे ऊपर उल्टा कंप्लेंट कर दी थी, तो मैंने अपने सारे बयान लिख के आया हूँ कि ऐसी ऐसी बात थी, ये बात है और ये है, और ये जितने भी रिलेशन लगाती है हर बार ये मेरे से पैसे ऐंठ लेते हैं। तो इनका ये पैसे अभी तक ऐंठ चुके सर? अभी तक तो अगर मोटा मोटा लूँ तो कई लाखों में ले चुके हैं, और जिसमें मेरे पास गूगल जो अकाउंट की स्टेटमेंट है जो है वो 2,000-5,000 रुपए की तो चलो गिनती नहीं है, पर जो मैं से फ्लैट खाली करने के लिए 2,00,000 रुपए, और जो ये लास्ट टाइम इन्होंने मेरे पास स्नैचिंग का, चैन स्नैचिंग का और फोन स्नैचिंग का केस डाल दिया था जब मैं अपने फ्लैट पे गया था 18 जून को, तो इन्होंने वो जो एलिगेशन लगाया था उसके लिए 50,000 रुपए मुझसे लिए गए। तो अभी उस फ्लैट की कंडीशन क्या, किसके पास है सर इस टाइम पे फ्लैट? सर एक तो उस पे जो गौरव शर्मा है उनको स्टे भी मिल रखी है कोर्ट से, बट जो उनका कब्जा है वो कब्जा उस लेडी का ही है अभी भी सर, वो लेडी का ही है। अगर हम आज या पुलिस वालों को भी लेके मैं उस फ्लैट पे जाता हूँ तो वो कोई ना कोई एलिगेशन मेरे ऊपर लगा के दोबारा मेरे ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करा देती है, क्योंकि वो लेडीज है, लेडीज करके उनकी सुनवाई ज्यादा होती है और वो बहुत भोला सा अपना मुंह बना लेते हैं सर। और मेरे पास वही सर कुछ चारा नहीं है, और ना ही हम इन पंगों में रहे हैं, और ये कहाँ तक इनका स्कैम है, ये कहाँ तक जा सकते हैं इस चीज का मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर ये उस रात अगर मेरा भाई मुझे कवर नहीं करता तो सर पता नहीं मेरे साथ क्या होता। लास्ट टाइम ये मेरे से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए जिसमें इन्होंने 5,00,000 की डिमांड और या तो फ्लैट छोड़ने की, फ्लैट उनके नाम कराने की मांग करी थी, जिसकी हमारे पास बाकायदा रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं।